गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन इंग्लिश वी विल डू डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द चैप्टर द मुंबई म्यूजिशियन. ओके, हेयर यू विल सी फर्स्ट वर्ड म्यूजिशियन. फर्स्ट वर्ड इज म्यूजिशियन. म्यूजिशियन कौन होता है? जो गाने बनाता है या फिर बाजा बजाता है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कैरेट. कैरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कैरी करना, उठाना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, कैरेट. थर्ड इज डोंकी. डोंकी आपको पता है गधे को बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज सैक. आपने सैक रेस में देखी होगी, उसमें पार्टिसिपेट करा होगा. सैक का मतलब होता है बोरा, जिसमें सामान डाला जाता है, बोरा. नेक्स्ट इज फैक्ट्री. फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उसको हम फैक्ट्री बोलते हैं. सिक्स शुगर केन. शुगर केन मतलब गन्ना. सेवन वर्ल्ड. वर्ल्ड का मतलब होता है पूरा संसार. एट कॉर्न. कॉर्न का मतलब मक्का, जैसे जिसके आप पॉपकॉर्न भी खाते हो उसको बोलते हैं कॉर्न. नाइन स्माइल्ड. स्माइल्ड का मतलब हंसना. टेन डस्टी रोड. डस्टी का, डस्ट का मतलब होता है धूल और रोड का मतलब होता है सड़क, ऐसी रोड जिसमें धूल हो बहुत ज़्यादा. इलेवन है टायर्ड. टायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ. नेक्स्ट वर्ड इज पीप्ड. पी डबल ई पी ई डी पीप्ड मीन्स झांकना. किसी खिड़की से या दरवाजे से जब झांकते हैं उसको बोलते हैं पीप्ड. नेक्स्ट वर्ड इज टुगेदर. टुगेदर का मतलब एक साथ. मिडिल मतलब बीच में. फिफ्टींथ वर्ड है डिलीशियस. बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी फूड जो होता है उसको बोलते हैं डिलीशियस. नेक्स्ट वर्ड इज गोस्ट. गोस्ट का मतलब भूत, जिससे आप बहुत डरते हो. नेक्स्ट वर्ड इज स्केर्ड, मतलब डरना, किसी भी चीज़ से डरना, स्केर्ड. 18 थॉट. थॉट मतलब सोचना, कोई भी चीज़ आप सोचें उसको बोलते हैं थॉट. नेक्स्ट इज फूड. फूड का मतलब खाना, जो आप खाना खाते हो. एंड लास्ट वर्ड इज हंग्री. हंग्री का मतलब भूख, जब आपको भूख लगती है तब आप डिलीशियस फूड खाते हो ना. ओके, 20 वर्ड इज हंग्री. यू हैव टू कम्प्लीट ऑल दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक. ओके, थैंक यू.